आज हम लोग बात करेंगे अबाउट एएसडी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम वरदा सिद्दीकी है एंड मैं भी एक नॉर्मल ही मदर थी कुछ अरसे पहले तक, कम से कम 7 साल पहले तक। बट येस, आफ्टर आई डिलीवर्ड माई फर्स्ट सन बेबी बॉय, ही वॉज डायग्नोज्ड विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर अबाउट 5 years ago. बिकॉज ऑफ द अर्ली साइंस, जिसके ऊपर हम लोग अभी बात करेंगे आगे। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे बात करने से पहले मैं बता दूं कि मैं एक ADHD, जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है, उसके अंदर सर्टिफाइड हूँ। आई एम सर्टिफाइड इन हैंडलिंग किड्स विद ADHD एंड साथ में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के ऊपर मेरे सर्टिफिकेशन अभी चल रहे हैं और कुछ अभी आने वाले हैं अगले कुछ सालों में, आई एम श्योर। बिकॉज एज अ केयर गिवर, एज अ मदर, आपको बहुत ज्यादा जरूरी होता है व्हेन यू हैव अ स्पेशल चाइल्ड कि आप अपने आप को इनेबल करें, आप अपने आप को इस मामले में प्रिपेयर करें कि जो चैलेंजेस अभी आपके पास आने वाले हैं और जो ऑलरेडी इन हैंड हैं। साथ ही साथ आई एम डिप्लोमा होल्डर इन इंटीरियर डिजाइनिंग और साथ में या आई डू सम फ्रीलांस वर्क फॉर कंटेंट राइटिंग, फॉर कंटेंट क्रिएशन बस। और मगर हाँ, बेसिक जो मेरा जो सारा ध्यान रहता है वो जाहिर है, बिकॉज ASD इज समथिंग दैट इज इन माय लाइफ। वो 24 आवर्स मेरा जो है उसके तरफ ध्यान रहता है, मेरा मेन फोकस ऑटिज्म स्पेक्ट्रम और ADHD एंड एवरी काइंड ऑफ डिफिकल्टी दैट एंड द चैलेंजेस दैट कम अलोंग विद इट। और अगर आप लोगों ने आपके आसपास कोई भी लोग हैं जो स्पेशल चिल्ड्रन को के बारे में जानना चाहते हैं या ASD के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर खुद आपने अपनी लाइफ में ऐसे बच्चे देखे हुए हैं जो ASD या इवन डिसलेक्सिया या डिफरेंट जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उनसे अगर वो जूझ रहे हैं, तो डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और अदरवाइज आप कम से कम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं दैट वॉट दे हैव इन देयर लाइफ और जो चैलेंजेस उनको फेस होते हैं, आप उनको ज्यादा बेहतर जो है वो समझ पाएंगे, एक इनसाइट मिल सकती है आपको इस पूरे प्रेजेंटेशन के बाद। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और ASD जैसे कहा जाता है, फर्स्टली कुछ साल पहले तक इसको ऑटिज्म ही कहा जाता था। ये एक न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसमें बोलने, सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी वर्बलाइजेशन की स्किल्स अफेक्ट होती हैं। आप आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि ब्रेन की जो वायरिंग है, न्यूरॉन्स और वो सब कुछ, वो अफेक्ट होते हैं। एंड जितने भी आपके दिमाग के खलिए हैं, अगर मैं उर्दू में बात करूँ तो दिमाग के जो खलिए हैं उनमें अफेक्ट आता है, जिसकी वजह से फिर आपके अंदर ऑटिज्म की कंडीशन डेवलप होती है। आपके ब्रेन की जो फंक्शनिंग है उसमें जब आपका कुछ डेफिसिट होगा, कोई लैकिंग होगी इन दैट पर्टिकुलर एरिया, जैसे नेबुला और कॉर्टेक्स, तो इन सब चीजों के अंदर जब आपकी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आती है, ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो ब्रेन की फंक्शनिंग के अंदर डैमेज की वजह से कॉज होता है, और इसके जो मेन इसके अंदर काफी सारी कंडीशंस आती हैं जो एक बच्चे को अफेक्ट कर सकती हैं। इवन ये बाद में अडल्ट में भी डेवलप हो सकता है ऑन अ लेटर स्टेज, अगर इन ड्यूरिंग चाइल्डहुड अगर ये डिटेक्ट नहीं होता है तो ये अडल्ट में भी पाया जाता है। काफी टाइम तक जो है अगर आपका बच्चा अनडिटेक्टेबल चला जाए तो उसके बाद अडल्टहुड में भी उसको ये कंडीशन आ सकती है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में काफी सारे डिसऑर्डर्स हैं, जस्ट लाइक रेट सिंड्रोम, एस्पर्जर सिंड्रोम, एंड इसके अलावा ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव सिंड्रोम डिसऑर्डर, ये भी उसी के अंदर आता है। DSM-5 जो यहाँ पे लिखा है, ये US में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये बताती है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चों के कितने लेवल्स हैं और उनको किस तरह डिटेक्ट किया जाता है, किस तरह उनका डायग्नोसिस होता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में तीन, एक काफी वाइड वैसे तो स्पेक्ट्रम है, काफी सारे जो कैरेक्टराइजेशंस हैं बच्चों की वो उसके अंदर आ जाती हैं, बट मेनली इसको तीन में कैटेगराइज किया जाता है। तीन लेवल्स होते हैं, जस्ट लाइक माइल्ड, मॉडरेट एंड देन सिवियर। सबसे जो लेवल 1 है उसके अंदर सपोर्ट की बहुत कम जरूरत होती है, दे आर हाईली फंक्शनल। हाईली फंक्शनल से मेरा मतलब ये है कि आपके दिमाग में जो फंक्शनिंग है वो काफी बेटर होती है, नॉर्मल सी तक ऑलमोस्ट हो सकती है, बट ये कहीं ना कहीं वो अफेक्ट होता है। आपकी सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स और आपकी स्पीच, आपकी बिहेवियर्स बहुत ज्यादा उसमें अफेक्ट होती हैं, और उसके अलावा
आपको डिफरेंट एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, अडेप्टेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है. माइल्ड से मॉडरेट में आपके ये प्रॉब्लम्स बढ़ते जाते हैं, और सिवियर में जो लेवल 3 होता है उसके अंदर आपको बहुत सब्सटेंशियल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है. आपको ऑलमोस्ट 24/7 जो है वो एक शेडो टीचर जिसको आप कह सकते हैं, या शेडो सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है एज अ केयर गिवर. आपको आपके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है व्हेन यू हैव अ किड ओवर द सिवियर स्पेक्ट्रम. ऑटिज्म के अंदर आपके जितने भी रेट्स डिसऑर्डर है या एस्पर्जर सिंड्रोम है, ये सारे उनके अलग अलग लेवल्स हैं, और ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं. जरूरी नहीं है कि अगर आपने एक बच्चा देखा है तो सारे बच्चे ऑटिज्म के ऐसे ही होते हैं, ऐसा नहीं होता. अगर आपने एक बच्चा देखा हुआ है तो वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में है, और उसके जो इश्यूज होंगे, उसके जो स्ट्रेंथ्स होंगे, उसके जो वीकनेसेस होंगे, वो उसके अपने होंगे. आपको दूसरे किसी बच्चे में वो चीजें नजर नहीं आएंगी. समहाउ सिमिलर होंगे, चैलेंजेस थोड़े सिमिलर होंगे बट नॉट एग्जैक्टली द सेम. ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि हम सब एज एन इंडिविजुअल हम सब डिफरेंट हैं, तो हम सबकी नेचर्स डिफरेंट हैं. तो सेम अप्लाइज टू दीज किड्स एज वेल. दे हैव देयर ओन नेचर, दे हैव देयर ओन बिहेवियर, और इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सो या इसके ऊपर मैं ज्यादा इलेबरेट करूँ तो इसके अंदर सोशल और फिजिकल रिस्क में लैक्स होते हैं, इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि किस चीज से उनको तकलीफ हो सकती है, किस चीज से उनको जो है वो खुशी हो सकती है. जस्ट लाइक फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस को सूंघना या सेंसरी उनकी पोटेंशियल होती ही नहीं है. जिस तरह एक बच्चा जो होता है वो परफ्यूम में थोड़ा सा इंटरेस्ट तो दिखाएगा, अगर उसको कुछ अलग सा जो है वो एनवायरनमेंट से हट के कुछ स्मेल आएगी, बट दीज काइंड ऑफ किड्स दे नेवर शो एनी काइंड ऑफ इमोशन और एनी काइंड ऑफ रिएक्शन व्हेन इट कम्स टू दीज काइंड ऑफ थिंग्स. फिजिकल सोशल रिस्क जितने की जिस जिस तरह के भी होंगे, बहुत कम उनके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो ये समझ पाएं कि अगर आपने सपोज रोड क्रॉस करनी है तो आपने इधर उधर गाड़ियों को देखना है, आपने जो है वो स्विचेस में हाथ नहीं लगाना है. चाहे वो बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, आपको वो समझाने की जरूरत पड़ जाएगी कि दिस आर सम सोशल एंड फिजिकल रिस्क जो आपको डैमेज कर सकते हैं, जो आपको तकलीफ पहुंचा सकते हैं. इसके अलावा उनकी सोशल पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा लिमिटेड होती है, उनको क्राउडेड जगहों से प्रॉब्लम हो सकती है, और इसके अलावा मेल्टडाउन्स हो सकते हैं. मेल्टडाउन से मेरा मतलब ये है कि कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे क्राउडेड हो या उनके पसंद की कोई चीज नहीं हो रही हो, तो उससे उनको बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाता है मेल्टडाउन, जिससे वो क्रैंकी हो सकते हैं, एंगर उनके अंदर आ सकता है, उनके अंदर सेल्फ हार्मिंग एबिलिटी भी बाद में डेवलप हो सकती है अगर उनका एंगर इश्यूज जो है वो सॉल्व ना किए जाएं. तो इसके अलावा उनके अंदर काफी सारे मेल्टडाउन्स में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे लाइक चिड़चिड़ापन, और इसके अलावा बहुत ज्यादा हाई पिच पे हाई वॉल्यूम में बात करना, या एटलीस्ट अपने गुस्से का इजहार करना अगर वो एक्सप्रेसिव है तो. इसके अलावा लैक ऑफ इंटरेस्ट इन अदर्स, पुअर आई कॉन्टेक्ट, ये बहुत ही कॉमन और तकरीबन हर ऑटिस्टिक बच्चे में आपको ये ट्रेट नजर आएगा. आई कांटेक्ट इन लोगों का बिल्कुल भी नहीं होता है, या तो फिर वो डिफर करता है बच्चों में. जस्ट लाइक अगर मैं एक दो एग्जांपल्स लूँ, तो मैंने जितने अभी तक बच्चे देखे हैं उनमें आई कांटेक्ट जो है वो सिमिलर पैटर्न पे है. ये 90% नहीं होता इन ऑटिस्टिक किड्स. दिस इज द फर्स्ट साइन जिससे जितने भी आपके न्यूरोफिजिशियंस हैं वो आपका डिटेक्ट करते हैं कि ये ऑटिज्म है भी किसी बच्चे में या नहीं. डायग्नोसिस में दिस वन इज द नंबर वन थिंग दैट न्यूरोफिजिशियंस लुक आउट इन अ पर्सन, इन अ किड. इसके अलावा पुअर सोशल रेसिप्रोकेटरी, मतलब अगर आप उनकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे वो आपका हाथ भी नहीं मिलाएंगे. सबसे इजी यही है, और बहुत सारे बच्चे जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे होते हैं वो टच उनको अगर कोई करे तो वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता है, वो थोड़ा सा दूर रहना चाहते हैं. मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कुछ इमोशंस नहीं होते या वो नहीं चाहते कि सोशली कट ऑफ हो जाए, ऐसा नहीं है. वो चाहते हैं कि वो एक्सेप्ट किए जाएं, वो चाहते हैं कि उनसे मोहब्बत की जाए, वो अपने इमोशंस दिखा नहीं पाते हैं. दैट इज द ओनली इशू. जैसे मैंने बोला,
माइंड के फंक्शनिंग में प्रॉब्लम है, माइंड के वायरिंग में जो है, ब्रेन की वायरिंग में वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऑटिज्म फिर आगे जाके बच्चे को होता है। अगर मैं इसकी ऑनसेट की बात करूं तो इसका ऑनसेट 1 साल से 3.5 साल की उम्र तक हो जाता है। यूजुअली इस टाइम तक बहुत ही क्लियर और विजिबल जो ट्रेट्स हैं, जो सिम्टम्स हैं, जो साइंस हैं, वो आपको नजर आने लग जाएंगे। जिस तरह ये आई कांटेक्ट हो गया, पुअर आई कांटेक्ट आपको बहुत जल्दी नजर आने लग जाता है, बिकॉज जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है वो आई कांटेक्ट करता है तो ही वो सीखता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा इसमें सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, बच्चे की डिलेड स्पीच होती है एंड वो क्लियरली 2 ईयर्स टू 3 ईयर्स के बीच में आपको नजर आ जाएगी। अगर कोई बच्चा डिलेड स्पीच स्पीच पे है, अपनी एज के हिसाब से वर्ड्स नहीं बोल रहा है, तो फिर आप न्यूरोफिजिशियन से या एटलीस्ट पीडियाट्रिशियन से तो कंसल्ट कर ही सकते हैं। इसके अलावा ADHD जो इसके साथ में ही आता है, मगर ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी बच्चे को ASD हो तो उसको ASD भी हो। ये समझने वाली बात है कि ADHD और ASD काफी हद तक सिमिलर है, बट कुछ बच्चों को सिर्फ ADHD भी होता है और वो ASD पे स्पेक्ट्रम पे बिल्कुल नहीं होते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो माइकल फेल्प्स एक बहुत अच्छी एग्जांपल होंगे जिमनास्टिक्स के, उनको ADHD है। और इसके अलावा एक दो और भी एथलीट्स हैं जिनको ADHD है। सिंगापुर के एक ओलंपियन है जोसेफ स्कूलिंग, वो काफी यंग है, उनको भी ADHD है। So yeah, but they are not on the spectrum. They are not having ASD, autism spectrum disorder, उनको नहीं है। So अगर हम ADHD की बात करें तो उनके अंदर inattention, hyperactivity और impulsivity होती है। hyperactivity से मतलब जरूर से ज्यादा hyperactive। hyperactive का एक निशानी जो बहुत ही आसानी से आप देख सकेंगे वो ये होती है कि बच्चा active तो रहे मगर उसकी नींद जो जो स्लीप पैटर्न्स हैं वो ठीक ना हो, उसको भूख तो लगे मगर उसके जो ईटिंग हैबिट्स है वो ठीक ना हो। तो उसके अलावा भी, क्योंकि जब आपका बच्चा ठीक से नींद नहीं ले रहा है, जब वो सो नहीं पा रहा है ठीक से, तब भी वो एक्टिव है, तो ऐसा हो नहीं सकता विदाउट गेटिंग क्रैंकी। अगर वो आपको नहीं बता रहा है कि उसको भूख लग रही है, उसको नींद आ रही है, तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम है। बट इससे ये भी साबित होता है कि वो बच्चा जरूरत से ज्यादा हाइपर एक्टिव है, बिकॉज व्हाट नॉर्मल किड्स यूजुअली डू, मेरे पास एक नॉर्मल बेटी भी है, तो उसको जब भूख लगती है, वो चाहे छोटी थी वो चाहे अब बड़ी है, वट एवर इट वॉज, उसने मुझे कम्युनिकेट किया कि ओके आई एम टायर्ड, आई एम हंग्री, आई एम स्लीपी। ये तीनों चीजें जब आपका बच्चा आपको नहीं बताएगा तो इसका मतलब है कि वो हाइपर एक्टिव है। बट काफी बच्चे होते हैं जो शरारती भी होते हैं, और काफी दफा बहुत सारे पेरेंट्स शरारती बच्चों की वजह से ही परेशान हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं है, सिर्फ एक शरारती होने के बेस पे आप नहीं बोल सकते कि किसी बच्चे को ASD या ADHD हो। बट माँ को इस मामले में अपने आप गट इंस्टिंक्ट, गट फीलिंग के ऊपर जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को कोई और प्रॉब्लम है जो नॉर्मल से हटके है, सो प्लीज आपको थोड़ा सा इंटरवीन करना पड़ेगा। इन अटेंशन जैसे कि ज्यादा ध्यान नहीं देना किसी भी चीज के ऊपर, बहुत ही केयरलेस बिहेवियर हो, अगर आप कुछ भी बोल रहे हो आपका बच्चा अटेंटिव नहीं है, लैक ऑफ आई कॉन्टैक्ट वो सेम है। आई कॉन्टैक्ट अगर आपका बच्चा नहीं कर रहा है, inattentive है, आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, और ये भी कि एक जगह पे बैठ नहीं पाए बहुत देर तक, अगर बच्चे नहीं बैठ पाते, ये एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है ADHD का, बच्चे बैठ नहीं पाते, वो किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाते। और ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि जिस तरह शरारती बच्चे होते हैं उनको जो चीजें पसंद होती हैं उनमें वो फोकस कर पाते हैं, आप ये डिफरेंस देखेंगे। बट अगर आपके बच्चे को ADHD है तो वो अगर किसी चीज को पसंद भी करता है और बहुत ज्यादा पसंद भी करता है, तब भी उसका जो अटेंशन स्पैन है, जो उसका फोकस होगा, वो बहुत कम टाइम के लिए होगा। सो दैट इज द मेन डिफरेंस ऑफ इन अटेंशन बिटवीन नॉर्मल चाइल्ड एंड अ स्पेशल चाइल्ड और अ किड विद ADHD। इम्पल्सिविटी, उनसे बिल्कुल भी इंतजार नहीं होता, इम्पेशेंट होते हैं,
बहुत ज्यादा इम्पेशेंट तबीयत के मालिक होते हैं, बहुत ज्यादा। अगर आप उनको किसी भी चीज में वेट करने की कोशिश करवाएंगे कि वो कभी वेट करें, थोड़ा सा काम डाउन करें, तो वो इम्पेशेंट हो जाएंगे और वो फिर गुस्सा भी उनको आ सकता है। ये बिहेवियर उनके एवरीडे लाइफ में होते हैं, तो उसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा ये सारे बिहेवियर्स इनहिबिट कर रहा है, तो आपको उसको न्यूरोफिजिशियन से कंसल्ट कराना चाहिए। एस्पर्जर्स जो है, उसमें एस्पर्जर्स जो सिम्टम होता है उसके ऊपर मैं सिर्फ इतनी सी बात करना चाहूंगी कि वो एडीएचडी में अब नहीं आता है। पहले उसको ऑटिज्म से ही कनेक्ट किया जाता था, बट दे आर हाईली फंक्शनल। उनमें सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स इतने बुरे नहीं होते हैं, दे आर नॉट दैट मच चैलेंजिंग, सॉरी, इतने चैलेंजिंग नहीं होते हैं उनके अंदर सोशल कम्युनिकेशन स्किल। वो बात कर पाते हैं, वो अपनी बात रख पाते हैं, वो बात समझा पाते हैं। इसके अलावा उनकी जो इंटरेक्शन होता है लोगों के साथ, वो भी इतना ज्यादा चैलेंजिंग नहीं होता। तो एस्पर्जर सिंड्रोम को आज आप आपके टाइम में एएसडी और एडीएचडी नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा फिजिट्स इजिली, दे आर दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू रिमेन स्टिल, जैसे मैंने बताया आपको, हाइपर एक्टिव होते हैं और उनका अटेंशन स्पैन बहुत ज्यादा वीक होता है। उनके पास टॉलरेंस भी इसी वजह से बहुत ज्यादा कम होती है, इम्पेशेंट बिहेवियर की वजह से। उनको अपनी टर्न लेना भी, अगर आप नॉर्मल कई गेम खेल रहे हैं तो उनको अपनी टर्न के लिए वेट करना भी उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। वो बच्चा आपको किसी ना किसी तरीके से अपनी अपनी तबीयत का बता देगा आपको कि दैट ही इज नॉट लाइकिंग इट, ही इज डेफिनेटली नॉट लाइकिंग टू वेट एनी मोर। सो ये सारी उनकी एडीएचडी और एएसडी की सारी साइंस हैं और उनके सिम्टम्स हैं। अब मैं बात करना चाहती हूँ कि आप स्क्रीनिंग कब करवाएंगे अपने बच्चे की, आप कौन से टेस्ट हैं और कौन सी स्क्रीनिंग्स हैं जो आपको बच्चे के लिए करानी चाहिए। आपको जैसे ही लगे कि एएसडी और एडीएचडी के साइंस आपके बच्चे में हैं, तो आपको सबसे पहले पीडियाट्रिशियन से अपॉइंटमेंट लेनी है। आपने पीडियाट्रिशियन से आराम से खुल के बात करनी है, जितने भी प्रॉब्लम्स आपके बच्चे में आ रहे हैं या आपको लग रहे हैं वो आप उनसे बात करके देखिए। इसके बाद अगर वो रेफर करेंगे तो फिर आप एक न्यूरो फिजिशियन से बात करेंगे। न्यूरो फिजिशियन ब्रेन के सारे डिसऑर्डर्स के बारे में काफी हद तक सर्टिफाइड होते हैं और उनको पता होता है कि एग्जैक्टली वेयर दिस किड इज हेडिंग टू। वो आपका आपके बच्चे का असेसमेंट करेंगे, वो आपसे डिटेल एनालिसिस में बात करेंगे, व्हाट इज बॉदरिंग यू, आपको क्या लगता है कि आपके बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके डेवलपमेंट में। ये डेवलपमेंट की बात हम कर रहे हैं 18 महीने से 3.5 साल या 4 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए। उनके अंदर जितने भी इश्यूज होंगे आपने न्यूरो फिजिशियन से अपॉइंटमेंट लेके उससे असेस करवाना है। आफ्टर दैट फिर आता है ऑटिज्म असेसमेंट। अगर वो सही समझेंगे तो फिर वो ऑटिज्म डिसिप्लिन की तरफ जाएंगे। कार्स एक टेक्निक है, उसके रेटिंग स्केल है एक्चुअली, उससे फिर जो है वो स्केल पे एक तरह से स्पेक्ट्रम के ऊपर डिटेक्ट किया जाएगा कि आपका बच्चा स्पेक्ट्रम में कहाँ आता है। उसका आईक्यू लेवल चेक किया जाएगा। इसके अलावा काफी सारे जो एक टेस्ट आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ ब्लड टेस्ट, लाइक असेसमेंट। आपके बच्चे को सिर्फ जो है वो कुछ टास्क दिए जाएंगे, उनको देखा जाएगा, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट एंड फिजियोथेरेपिस्ट। ये सारे थेरेपिस्ट जब आपके बच्चे को असेस कर लेंगे, उसके बाद वो एक डिटेल्ड रिपोर्ट आपको देंगे अबाउट देयर फाइंडिंग्स। मगर ये तब होगा जब आपको एक न्यूरो फिजिशियन ये बात मतलब आपके बच्चे को असेस करके वो आपको बताएगा कि उसको इसकी जरूरत है भी या नहीं, या फिर आपके जो है वो सिर्फ ये वहम है या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बच्चे के साथ कुछ प्रॉब्लम है। अपार्ट फ्रॉम दैट एमआरआई और ईईजी दो प्रोसीजर्स हैं जिनको मैं कहती हूँ कि वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग प्रोसीजर्स बच्चों के लिए हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को वेट करना अच्छा नहीं लगता। और ईजी और एमआरआई के लिए आपको जो है वो बच्चे के साथ हॉस्पिटल में फिर ये करवाना पड़ेगा अगर डॉक्टर रेकमेंड करते हैं तो। ये सारी चीजें डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बगैर नहीं हो सकती, और आप खुद से करने की कोशिश भी मत कीजिएगा, बिकॉज
छोटे बच्चे होते हैं उनको डील करने का बहुत टेक्निकल तरीका होता है, बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, उस उनके रिकमेंडेशन के आप असेसमेंट की तरफ ना जाएं, क्योंकि आप पहले पेडियाट्रिशियन से तो बात करें, उनको अपने तहफ़ुज़ात से आगाह करें कि आपके क्या तहफ़ुज़ात हैं, आपको क्या परेशान कर रही है आपके बच्चे की बिहेवियर, कौन सा परेशान कर रहा है, कौन सी ऐसी आदतें हैं जो आप संभाल नहीं पा रहे हैं। ये सब चीजें जब आप कर लेंगे तो फिर आपको आगे रेफर किया जा सकता है। इसके अलावा कोई जो मिथ्स हैं जो ADHD और ASD के अलावा नॉर्मली सोसाइटी में मानी जाती हैं, हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। व्हाट इज ऑटिज्म, जो वो है और क्या नहीं है। ये ऐसा नहीं होता है कि ये सिर्फ बच्चों को होता है और बच्चों के तहत ही, बच्चों की हद तक ही रहता है, ऐसा नहीं है। इट्स अ लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर, इसीलिए इसकी अर्ली डिटेक्शन ज्यादा जरूरी है। इसकी डिटेक्शन जितनी जल्दी हो जाए, जितनी जल्दी आपका बच्चा जो है वो अर्ली इंटरवेंशन में चला जाए, वो ज्यादा बेहतर है। अब इसमें हम ये बात कर सकते हैं कि आपके बच्चे को मेन स्ट्रीम स्कूल में जाना चाहिए, या फिर आपके बच्चे को स्पेशल स्कूल, जो सेग्रीगेटेड स्कूल होते हैं, उनमें जाना चाहिए। ये बहुत ही कॉमन एक कंफ्यूजन है जो पेरेंट्स को हो जाती है। सबसे पहले तो आप, अगर आपके बच्चे को कोई सा भी इशू आ रहा है वाइल डेवलपिंग, और वेदर इट्स सोशल कम्युनिकेशनल और बिहेवियर वट एवर, आपने सबसे पहले डॉक्टर के को ही रेफर करना है, या फिर आपके स्कूल से कोई कंप्लेन आ रही है, बिकॉज द किड्स विद ADHD जिनको डिटेक्ट नहीं किया जाता, उनके स्कूल से कंप्लेन फिर बहुत ज्यादा आते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, मेन स्ट्रीम स्कूल्स में बहुत ज्यादा जो है वो फिर ADHD के बच्चों को प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बट ये चीज आपके सिर्फ न्यूरोफिजिशियन ही बताएंगे जब आप वो आपके बच्चे को प्रॉपरली असेस कर देंगे। अगर वो आपके बच्चे को असेस नहीं करेंगे तो फिर वो आपको ठीक से गाइड भी नहीं कर सकते। दे आर मोर देन गाइड्स फॉर योर सेल्फ ऑल्सो एंड फॉर योर किड ऑल्सो। ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, इसमें लर्निंग की जो कैपेबिलिटी है वो हर बच्चे में डिफरेंट होती है। किसी में कुछ वीकनेसेस होती हैं, किसी में कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं, कुछ बच्चों में पजल सॉल्विंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और कुछ बच्चों में रीडिंग और राइटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ बच्चों की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, और कुछ बच्चों की जो साइट मेमोरी है, जो देख के वो मेमोराइज करते हैं, वो बहुत ज़्यादा होती है। ये कोई इलनेस और डिजीज नहीं है, ये एक बाकायदा तौर पर डिसऑर्डर है जो ब्रेन की फंक्शनिंग की वजह से, ब्रेन की वायरिंग की वजह से अकर होता है। बैड बिहेवियर और विलफुल डिफाइंस नहीं है, ये उनका बिहेवियर, उनका बिहेवियर ये दूसरों से अपनी परेशानियों की वजह से हो सकता है, मगर ये उनका बैड बिहेवियर नहीं है। वो अपने बिहेवियर जो उनके माइंड में है वो आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि उनके माइंड में इतना इतनी ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि वो उसको सिर्फ काम डाउन करने के लिए कभी कभी इम्पेशेंट हो जाते हैं, कभी कभी वो लाउड हाई पिच वॉल्यूम पे बात करने लग जाते हैं। जस्ट लाइक कि एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है कि अगर कोई ADHD का बच्चा क्राउडेड एरिया में गया है तो वो यूजुअली हम करने लग जाएगा, या हाई पिच पे वो कोई गाना गाने लग जाएगा जो उसको पसंद है, सॉरी वो कोई गाना गाने लग जाएगा, या फिर अपने आप को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, जिसको आप बोल सकते हैं कि वो एक बैड बिहेवियर है, या फिर थोड़ा सा वो जो है दूसरों को इनकन्वीनियंट कॉज करने लग जाएगा। तो ये उसका बैड बिहेवियर नहीं है, उसके माइंड में जो कंफ्यूजन है, उसके माइंड में जो सारी ओवरवेलमिंग सिचुएशन है, क्योंकि वो क्राउडेड प्लेसेस को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उनके माइंड में जो कंफ्यूजन होती है उसको काम डाउन करने के लिए, अपनी नर्व्स को काम डाउन करने के लिए वो फिर हम करना या फिर गाना गाना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह से आप फिजिटिटी को कम करने के लिए फिजिट स्पिनर्स आते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं, वो काफी इफेक्टिव होते हैं। वो क्राउडेड प्लेसेस में अगर आपके बच्चे को ADHD है तो वो आप यूज कर सकते हैं, उससे फिर वो अपनी वॉल्यूम को कम कर पाएंगे, क्योंकि उसके बाद आपका उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसके अलावा बैड पेरेंटिंग इसका बिल्कुल भी कॉज नहीं होता, ऑटिज्म किसी भी तरीके की बैड पेरेंटिंग से कॉज नहीं होता, ये एक जेनेटिक तरीके का डिसऑर्डर हो सकता है,
जेनेटिक्स से मेरा मतलब ये नहीं है कि पेरेंट्स के जीन्स की वजह से, इट्स लाइक कि जब व्हेन प्लेसेंटल टाइम पे जब एक बच्चे का जीन बन रहा होता है तो वो जीन म्यूटेट करता है, जब ये म्यूटेशन बहुत ज्यादा हो जाती है उसकी म्यूटेशन की वजह से फिर ये ऑटिज्म कॉज होता है। तो ये बैड पेरेंटिंग की वजह बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने किसी बच्चे को डांट ज्यादा दिया है या फिर उसको आपने ज्यादा तवज्जो नहीं दी है तो भी इससे ऑटिज्म कॉज नहीं होता, माइंड के फंक्शनिंग की वजह से कॉज होता है। जैसे मैंने बताया ये इफेक्ट सिर्फ बच्चों के ऊपर नहीं होता, ये एक लाइफ लॉन्ग है डिसऑर्डर है, ये सारी जिंदगी उनके साथ रहेगा। हाँ, इसके जो इफेक्टिवनेस है ये कम या ज्यादा हो सकती है। ये माइल्ड में अगर कोई बच्चा है और उसके इंटरवेंशन नहीं हुई है तो वो सिवेयर पे भी जा सकता है, और अगर कोई सिवेयर स्पेक्ट्रम पे कोई बच्चा है और उसकी इंटरवेंशन सही से हो जाए तो वो माइल्ड पे भी आ सकता है। बट ये कंडीशन कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से लाइफ लॉन्ग ही रहेगी। अब हम बात करते हैं कि इसके अलावा जो, हाँ, एक मिसकंसेप्शन मेरे दिमाग में भी आई थी कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है और वर्ल्ड वाइड ये एक र्यूमर टाइप की है कि ऑटिज्म जो है वो वैक्सीनेशन से कॉज होता है। जो बच्चों को हम लोग उनके बचपने में वैक्सीन लगवाते हैं, रोटा वायरस, MMR और दूसरी इन्फ्लुएंजा एंड एवरीथिंग, तो उनकी वजह से वो कॉज होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑटिज्म कभी भी किसी भी वैक्सीनेशन से कॉज नहीं होता, ये बात अब रिसर्च से साबित हो चुकी है। आप चाहें तो गूगल पे इसको सर्च कर सकते हैं। बात जो मेन ये है जिसकी वजह से जो ये मिथ आई है, ये मिथ इस हिसाब से आई है क्योंकि जब आपको रोटा वायरस और MMR की आई थिंक सेकेंड डोज जब लग रही होती है तब बच्चा 2.5 साल की उम्र का होता है, 2.5 या 3 साल की उम्र का, तो एग्जैक्टली दैट इज द टाइम जब यूजली जो ऑटिज्म का ऑनसेट है वो आता है, क्योंकि उस टाइम तक आपको क्लियरली नजर आ जाएगा कि कौन सा बच्चा स्पीच डिलेड है, कौन सा बच्चा बिहेवियरली ठीक से बिहेव नहीं कर रहा है, उसके अंदर कोई इश्यू है। ADHD के साइंस, ASD के साइंस आपको बहुत विजिबल नजर आ जाएंगे। तो उसी वक्त यूजुअली जो है वो आपकी MMR और रोटा वायरस की वैक्सीन लगती है, जिसके बाद जो है वो लोगों को ऐसा लगता है कि ओके ये वैक्सीन लगवाई थी और उसके बाद हमारे बच्चे का डायग्नोसिस हो गया। तो ऐसा नहीं होता, इट्स जस्ट लाइक अबाउट द टाइमिंग, कि टाइमिंग सेम है तो इसी वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि बस जैसे ही हमने ये वैक्सीन लगवाई है उसके बाद हमारे बच्चे ने ऐसा बिहेव करना शुरू कर दिया और उसके बाद उसको ऑटिज्म हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट, उनका ऑनसेट का टाइम बिल्कुल सिमिलर है। इस वजह से ये मिथ जो है वो बहुत कॉमन है वर्ल्ड वाइड। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रह के अपने आसपास के लोगों को भी वैक्सीनेट होने के लिए आमादा कर सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसके बाद जो मैं आप बात करना चाहती हूँ के गिवर्स के ऊपर बात करना चाहती हूँ, क्योंकि ये तो बात हुई ASD और ADHD के लोगों के, क्योंकि ये तो बच्चे हैं, मगर आप अपने बारे में क्या कर सकते हैं एज अ मदर, एज अ फादर, या आप जो भी हैं, बहन हैं, भाई हैं, जिनके आसपास जो है वो रेगुलरली 24 आवर्स एक स्पेशल चाइल्ड है, तो आप अपने लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि आप उनके लिए तो सब कुछ कुछ करते हैं, सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, अपने बच्चे को बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे होते हैं, और ये कोई इतनी सरप्राइजिंग बात नहीं है। सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर देने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आप अपने लिए क्या करना चाहते हैं और क्या करते हैं, ये ज्यादा बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो आपके बच्चे का ख्याल कौन रखेगा? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको पता है कि आप अपने बच्चे के लिए सबसे बेहतर काम क्या कर सकते हैं? वो ये कर सकते हैं कि आप अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो ही आगे जाके आपका बच्चा अच्छा महसूस करेगा। क्योंकि चाहे आपका बच्चा नॉर्मल हो या स्पेशल चाइल्ड हो, कोई भी बच्चा अपने माँ बाप को परेशान नहीं देख सकता, कोई भी बच्चा नहीं देख सकता, चाहे वो 4 साल का हो, चाहे वो 5 साल का हो, चाहे वो 10 साल का हो। आई एम श्योर कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स को परेशान देखेगा तो वो परेशान हो जाएगा खुद ब खुद, ये नेचुरल है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग हो। सारे बच्चे अपने पेरेंट्स को खुश देखना चाहते हैं, और ऑटिज्म के बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ, अपने लोगों के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, कर नहीं पाते, वो उनकी लिमिटेशन है, बट वो करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि लोग उनको एक्सेप्ट करें,
और आप भी इसको एक्सेप्ट करें कि आई नो एंड आई एक्सेप्ट इट. दूसरों की डिफिकल्टीज, दूसरों की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, उन सबको आप स्ट्रांगली अगर एक्सेप्ट करेंगे, और ना सिर्फ एक्सेप्ट करेंगे बल्कि दूसरों को भी नॉलेज देने की कोशिश करेंगे, उनकी जिंदगी को भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, तो इस तरह आप अपना भी फायदा करेंगे और दूसरों का भी. स्पाउजल सपोर्ट इसमें ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मैटर करती है, मगर स्पाउजल सपोर्ट के अलावा भी आपने अपना ख्याल रखना है ताकि आप अपने बच्चों का ख्याल रख सकें, आप अपने आसपास के लोगों का ख्याल रख सकें. अगर आप भाई हैं, बहन हैं, अगर आप इवन खाला हैं, फुप्पो हैं, अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो स्पेशल नीड्स का है, तो आप अपना ख्याल रखें और साथ में उन केयर गिवर्स का भी ख्याल रखें जो इमीजिएटली इमीजिएट फैमिली में बिलोंग करते हैं. अपने सर्कमस्टांसेस को, अपने लिमिटेशंस को प्लीज समझने की कोशिश करें. जिस तरह मैं कभी कभार वर्क करती हूँ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, आप ये भी कर सकते हैं. आप अपनी हॉबीज को रख सकते हैं, आप अपने बच्चे के साथ बहुत ज्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं. क्वालिटी टाइम स्पेंड करने से मेरा मतलब ये भी है कि दिन में कोई ना कोई एक घंटा आप मी टाइम के लिए रखें, चाहे वो वॉक हो, चाहे वो कोई सीरीज हो, चाहे वो सिर्फ ऐसे ही रिलैक्स करें आप एक आध घंटा अपने लिए बैठ के. कोई ना कोई टाइम अपने लिए जरूर मखसूस रखें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है. मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं अपने बच्चे के साथ पेंटिंग करना बहुत एंजॉय करती हूँ, तो आई एम श्योर अगर आपके बच्चे को कोई ना कोई स्किल अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं. इसके अलावा 1 hour in a day अगर आप अपना मी टाइम रखना चाहते हैं तो आप अपने आप को अपस्किल भी कर सकते हैं, जिस लाइक काफी सर्टिफिकेशंस इस वक्त अवेलेबल हैं जो पेरेंटिंग के ऊपर हैं, पेरेंटिंग ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन, वो आप कर सकते हैं. इसके अलावा आप RBT ट्रेनिंग जो बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड मानी जाती है, वो भी आप ले सकते हैं. इसके अलावा कुछ भी हो सकता है जो आपको खुशी दे, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको काम डाउन कर सके. क्योंकि अगर आप अवेयर होंगे कि आपके पास क्या चैलेंजेस हैं, अपने माइंड में एक सॉर्ट आउट करें कि ओके दीज आर माय चैलेंजेस, दीज आर माय स्ट्रेंथ्स, ये मेरे बच्चे के स्ट्रेंथ्स हैं, ये मेरे बच्चे के वीकनेसेस हैं, मुझे उनको इस तरह टैकल करना है और मुझे अपने आप को कैसे टैकल करना है. क्योंकि अगर आप खुद एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप आगे बढ़ के अपने बच्चे को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे. आपके साथ हर वक्त एक उदासी, एक परेशानी और इस तरह की सिचुएशन, हमेशा आप अपने आप को ऐसी सिचुएशन के अंदर पाएंगे जो कि कभी भी हेल्दी नहीं हो सकती. ज्यादा सोचना भी कभी कभार अच्छा नहीं होता. आप अपने माइंड को काम डाउन करने की कोशिश करें, जैसे कि बिल्कुल नमाज, कुरान और ये सारी चीजें आपको हेल्प कर सकती हैं डेफिनेटली. मगर इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि इमोशनल रेगुलेशन की कोई जरूरत है तो आप लाइफ कोचिंग जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं आप उनको भी रिजू कर सकते हैं, NLP प्रैक्टिशनर्स. इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट डेफिनेटली. इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप किसी से हेल्प लेने की कोशिश करें तो, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप नहीं समझते कि आप अपने आसपास के लोगों से बात करना चाहते हैं या किसी और से बात करना चाहते हैं, कभी कभी थर्ड पार्टी से बात करना ज्यादा बेनिफिशियल साबित होता है. आप किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ बात कर सकते हैं, कोई भी ऐसा इंसान जो आपको एक्सेप्टेड फील कराए, जो आपके प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करे आपके हिसाब से. इसके अलावा ब्रीदिंग टेक्निक्स डेफिनेटली आपके ऊपर वर्क कर सकते हैं. जो भी चीज़ आपके स्ट्रेस रिलीवर के तौर पे आपको महसूस हो वह आप करें. अपना ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, ये ना हो कि आपको ब्लड प्रेशर और डायबिटीज और सारी तरह की बीमारियां आपको जकड़ लें, बिकॉज डेफिनेटली इट्स अ लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर, इट्स अ लाइफ लॉन्ग चैलेंज, ये कोई ईजी बात नहीं है. मगर अपने आप को बिल्डअप करना, ये एक आप अपने बच्चे का ही भला करेंगे, क्योंकि आपका बच्चा आपको चाहता है कि आप उसके साथ रहें, आप उसके साथ अच्छा वक्त बिताएं, आप उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें. आपका बच्चा यही चाहता है आपसे, हर बच्चा यही चाहता है, चाहे वो स्पेशल चाइल्ड हो, चाहे वो नॉर्मल चाइल्ड हो. दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू कीप योर सेल्फ गोइंग,
और जो चीजें आपको अच्छी लगे वो आप करिए। डेविड कार्नेगी की एक बुक मैं रेफर करना चाहूंगी डेफिनेटली, उसका नाम है हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड हाउ टू मेक फ्रेंड्स। इट्स अ फैंटास्टिक बुक, वो आपको काफी मोटिवेट कर सकती है। कोई सी भी बुक, वो स्पेशल चिल्ड्रन से तो रिलेटेड भी नहीं है, बट स्टिल इट्स अ मोटिवेशनल बुक। कोई भी ऐसी हॉबी जो आपको अच्छी लगे, इवन आपको निटिंग करना अच्छा लगे, आप निटिंग कर लीजिए। जो भी चीज आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट रखे, जो भी चीज आपको सैनिटी में लेकर आए, क्योंकि जब आप अपनी उदासी को, अपने चैलेंजेस को ठंडे दिमाग से सोचेंगे, थोड़ा सा सॉर्टेड आउट होके सोचेंगे, तो फिर आपका आउटकम बहुत अलग होगा। और जब आप उसके बाद एक प्लान तरीके से उसके ऊपर मेहनत करेंगे, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो बहुत ज्यादा शॉकिंग भी हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आपको अंदाजा ही नहीं होगा कि आपके अंदर जो एनर्जी है, जो आपके अंदर पॉजिटिव चेंज आएगा, उससे आपका बच्चा भी महसूस करेगा, उसको आपके आसपास के लोग भी महसूस करेंगे। इस तरह आप ना सिर्फ खुद बल्कि अपने बच्चों के साथ, अपने नॉर्मली दूसरे लोगों के साथ, जितने भी आपके हाउसहोल्ड में हो, उन सबके साथ लेके आगे चल सकते हैं। इससे ज्यादा अच्छी फीलिंग कुछ भी नहीं हो सकती है। अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को रीच आउट करें, अगर आप ओपन अप करना चाहते हैं, किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई सेफ स्पेस अपने आसपास बनाने की कोशिश करें। सपोर्ट ग्रुप्स अच्छे साबित हो सकते हैं डेफिनेटली। काफी सारे स्पेशली नीड्स के सपोर्ट ग्रुप्स इस वक्त फेसबुक, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, अगर वो आपको ट्रिगर ना करें तो। क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो आपको ट्रिगर भी कर सकती हैं, कि नहीं अचानक से आपके माइंड में आए कि ओके दिस इज द प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम मेरे अंदर है या मेरी लाइफ में है। अगर आपको ट्रिगर नहीं करता है तो डेफिनेटली इट विल हेल्प, बट अगर आपको ट्रिगर कर रहा है, आपको लग रहा है बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो गया है और आप एक जगह से निकल नहीं पा रहे हैं, तो आप कोई और चीज कर सकते हैं। कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, अपने दिल की भड़ास निकाल सकते हैं, ब्लॉग एक पूरा जो है वो आप मेंटेन कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रह सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो आप करने की कोशिश करें। स्विमिंग, राइटिंग, रीडिंग, कोई सी भी ऐसी हॉबी जो आपको अच्छी लगे, जो भी आपके रीच में हो। अपनी लिमिटेशंस को जानिए, अपने माइंड को सॉर्ट करके अपने लिमिटेशंस को समझने की कोशिश कीजिए। क्या आपका बच्चा 24 आवर्स की सपोर्ट मांगता है, या कितना आप टाइम मैनेज कर सकते हैं नॉर्मली, कितना टाइम आप मैनेज कर सकते हैं। अगर वो आपको पता चल जाएगा तो फिर आप आगे अपना जो अपनी स्ट्रेटेजी है उसको ठीक रख सकती हैं। आप अपने रूटीन को ऐसा रख सकती हैं, ऐसा आप चेंज कर सकती हैं थोड़ा, जो आपके टाइम को भी मैनेज कर सके और आपके बच्चे को भी अफेक्ट ना करे। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि हम यूजुअली अपने बच्चों की केयर करते करते खुद को निग्लेक्ट कर देते हैं, बट ऐसा नहीं होता। आपके बच्चे चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें। अगर आपको चाहिए कि आप अपने बच्चे के साथ ही कोई एक्टिविटी इंजॉय करें, वॉक कैन बी अ बेटर ऑप्शन फॉर किड्स विद ADHD। आप उनके साथ लंबी वॉक्स करें। बच्चे इतने हाइपर एक्टिव होते हैं कि उनको वॉकिंग बहुत अच्छी लगती है, कि बस चल टहलते रहें, टहलते रहें, टहलते रहें, और उनको बहुत मजा आएगा और वो बहुत इंजॉय करेंगे आपके साथ। आप अच्छे मौसम में, अभी तो वहां पे ठंड का मौसम है कराची, पाकिस्तान में ओवरऑल, कराची में भी, तो उनके साथ लॉन्ग वॉक्स करें, आपको बहुत मजा आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ठंड का मौसम तो वैसे भी बहुत ही ज्यादा इंजॉयबल होता है, आई एम श्योर। इसके अलावा आप पजल बना सकते हैं, आप 20 पीसेस के पजल से स्टार्ट कर सकते हैं। स्मॉलर चीजों से स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता फिर उसको आगे बढ़ाएं। आई एम श्योर आपको कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी मिल जाएगी जो आप अपने बच्चों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, और अपने मी टाइम में भी कोई एक्टिविटी आपको ऐसी मिल जाएगी जो आप इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी डाइट का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि यूजुअली माएं जो हैं अपनी डाइट के ऊपर बहुत ज्यादा केयरलेस बिहेवियर रखती हैं, स्पेशली जिनके बच्चों को कोई ना कोई इश्यू होता है। मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, बच्चों के इश्यूज तो देखना बहुत मुश्किल काम है, बट अगर अगर हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो उनका ख्याल कौन रखेगा। ये एक बहुत ही सिंपल सी बात है। माएं अपने आप को क्यों निग्लेक्ट कर देती हैं, उनको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। और ये भी कि आप अपने आप को अपस्किल करें, कि ठीक है आपका चैलेंज बहुत बड़ा है तो आप अपने आप को अपस्किल करें। बहुत सारे ऐसे पेरेंटिंग वर्कशॉप्स हैं जो आपको अपने आसपास मिल जाएंगे, जो रीजनेबल अमाउंट के होंगे, जिनकी फीस बहुत ज्यादा नहीं होगी,
आप वो कर सकती हैं, इस तरह आप अपने बच्चे को भी ज्यादा टाइम भी दे सकती हैं, आप उसको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आप उसको हैंडल भी कर सकते हैं, आप उसको नई नई चीजें सिखा सकती हैं, कोई ना कोई स्किल आप अपने बच्चे में इनकलकेट कर सकते हैं, रीडिंग राइटिंग एनीथिंग, इट कैन बी मैथ्स, क्योंकि मैथ्स काफी डिफिकल्ट होता है, उसको समझाना, उसको ठीक से इनकलकेट करना, उसके स्किल्स को इनकलकेट करना काफी मुश्किल काम है, तो अगर आप अपने आप को अपस्किल करेंगे तो डेफिनेटली इट विल वर्क आउट एक्सेलेंट इन एन एक्सेलेंट वे। और क्विट नहीं करना, डेफिनेटली क्विट करना तो ऑप्शन नहीं है हमारे पास, बट यस डेफिनेटली आप ये अपने आप से कह सकते हैं कि व्हाई शुड वी क्विट, आई मीन वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड राइट, सो जस्ट कीप गोइंग एंड अपने आप को ये रोज बताते रहें कि यस आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड राइट नाउ। इस तरह आप अपने बच्चों का भी ख्याल रख सकते हैं और अपना भी।